फोटोशॉप के अंदर इस तरह का फोटो के अंदर फोटो कैसे बनाते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इस तरह का फोटो हम लोग बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे बनाया फ़ोटो के अंदर। बहुत इजी तरीका है इस तरह से फ़ोटो बनाना फोटोशॉप के अंदर। स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको फ़ोटोशॉप ओपन कर लेना है। आप फोटोशॉप का जो भी वर्सन यूज़ कर रहे हैं चाहे नया हो चाहे पुराना हो किसी में भी आप कर सकते हैं जो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ़िलहाल मैं फ़ोटोशॉप 7 का यूज़ कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहां से एक नया पेज ले लेना है। जब मैं यहां से लेता हूँ यहाँ से 1080x1080 का पेज लूँगा मैं। यहाँ पर इसको कर देता हूँ 1080x1080। देख सकते हैं 1080x1080 पिक्सल है, रिजोल्यूशन 72 है, मोड RGB है और बैकग्राउंड का कलर वाइट रखा है। अब ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1080x1080 पिक्सल का पेज आ चुका है। अब सबसे पहले मैं एक फ़ोटो लूँगा, ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं तो जिन फ़ोटो की आवश्यकता होगी वो सब फ़ोटो मैं लूँगा। जैसे ये एक फ़ोटो है, इसको मैंने क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो आ चुका है। तो इस तरह से आपको किसी भी फ़ोटो को आपको ब्लैक कर लेना है और उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। उसके बाद इस फ़ोटो को ड्रैग करके अपने पेज पे ले जाते हैं। ये देखिए मैं फ़ोटो को यहाँ पे ले जाता हूँ और उसके बाद कंट्रोल टी से आप इसे स्केलिंग कर लें। उसके बाद एक और फ़ोटो लेंगे, फाइल में जाते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं। करने के बाद एक और फ़ोटो है, देख सकते हैं PNG फॉर्मेट में, इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ भी देखिए बिना बैकग्राउंड का इस तरह का फ़ोटो है, बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर दिया है। बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत इजी है फ़ोटोशॉप के अंदर। अब इस फ़ोटो को ड्रैग करके अपने पेज पे ले आते हैं। ये मैंने फ़ोटो को यहाँ पे लेकर आ गए हैं, अब इसे क्लोज़ कर देते हैं। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इस फ़ोटो को क्या करना है, जो ब्लैक वाला फ़ोटो है मॉडल का उसके अंदर इसे ले जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेयर का पैलेट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर वाला लेयर देखिए ये वाला फ़ोटो है, नीचे वाला ब्लैक वाला फ़ोटो है। तो ऊपर वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बीचों बीच माउस पॉइंटर रखेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाएंगे। ऑल्ट की दबाएंगे, माउस पॉइंटर देखिएगा चेंज हो जाएगा और एक बार लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। करने से क्या होगा, फ़ोटो जो रहेगा मेरे इसके अंदर देखिए यहाँ पे चला गया, देख सकते हैं। उसके बाद ठीक इसके इस लेवल पर इसको इस हिसाब से कंट्रोल टी के माध्यम से इसको अच्छी तरह से हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। कर लिया फ़ोटो को, फिर इसको अप्लाई कर देते हैं। अगर ये फ़ोटो आपको इस तरह पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो इसको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो ब्लेंडिंग का बॉक्स नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे आएंगे तो इसको ल्यूमिनिसिटी कर देंगे तो पीछे जो कलर का जो फ़ोटो रहेगा इस तरह से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है, ये हो गया। अगर नहीं तो यहाँ से फिर से आप चाहें तो इस तरह से नॉर्मल आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इसको मैं कलर ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल यहाँ पे बनाना है पीछे में, देखने में अच्छा लगेगा। तो जो सबसे नीचे वाला लेयर है, जैसे ये बैकग्राउंड वाला लेयर है, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर एक नया लेयर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, बैकग्राउंड के ठीक ऊपर देखिएगा एक नया लेयर बन जाएगा। उसके बाद टूल बॉक्स में जाके ये है आपका इलिप्टिकल मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक करेंगे और इलिप्टिकल मर्क्यू टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैं एक सर्कल इस तरह से राउंड शेप में, देखने में अच्छा लगेगा इस तरह से राउंड शेप में मैंने एक सर्कल बना लिया है। बनाने के बाद अब इसमें कलर देंगे, कौन सा कलर देंगे जो अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मॉडल है इसमें साड़ी का जो कलर है गोल्डन टाइप का, ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करेंगे और ठीक यहाँ पर जो पट्टी दिखाई दे रहा है गोल्डन वाला, तो शाइनी टाइप का है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पेंट बकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं ये कलर हो चुका है। उसके बाद ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्ट में जाके इसको डीसिलेक्ट कर देंगे, बन गया। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको अगर छोटा बड़ा करना है सर्कल को, तो इस तरह से ड्रैग करके आप इसको छोटा बड़ा सर्कल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फ़ोटो बन के तैयार हो गया। अगर आपको कलरफुल या अच्छा नहीं लग रहा तो फिर अगेन इस फ़ोटो पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाके इसको ल्यूमिनिसिटी कर दीजिए। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो बस ये रहने दीजिए। तो ये पूरा का पूरा फ़ोटो इस तरह से बनके तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है आपको फ़ोटो के अंदर, नीचे ऊपर जहाँ भी रखना है, आप इसको इस तरह से ड्रैग करके आप इसको लगा के इस तरह से रख सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको इस तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको गले के साथ, गले मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको फ़ोटो देखने में लगेगा। तो ये बन के फ़ोटो तैयार हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से फाइल में जाना है,
उसके बाद यहाँ पे सेव एज़ का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। सेव एज़ का इस तरह से फोल्डर खुलेगा। अब जिस जगह फोल्डर जिस जिस जगह आपको सेव करना है वहाँ पे इस जगह पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद एक नाम दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जेपैक फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जेपीजी का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए फ़ोटो बन के तैयार हो गया अगर आपको देखना है तो चलिए ये तो दिखाया स्टार्टिंग वाला था, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो फ़ोटो हम लोगों ने बनाया है कैसा लग रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको खोला मैंने तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखेगा अनटाइटल नाम से। यहाँ पे देखिए ये देखिए अनटाइटल कॉपी वन है, इसको राइट क्लिक करेंगे जो बनाया मैंने, उसके बाद इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वो फ़ोटो आपको दिखाई देगा, देखिए खुल रहा है, ये देखिए अनटाइटल बोल के फ़ोटो है, ये देखिए पहले वाला था और ये बाद में वाला फ़ोटो यहाँ पे बन के देखिए रेडी हो गया। तो इस तरह से हम लोग फ़ोटो के अंदर फ़ोटो पुट करके इस तरह से फ़ोटो बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।